हेलो दोस्तों दोस्तों मेरा नाम तोरुंदा। आज बताने वाला हूँ वर्कशॉप के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर एक इम्पोर्टेंट टूल्स यूज होता है जिसका नाम है स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइक करने वाला जो टूल्स है उसका नाम है स्ट्राइक, दैट इज ए हैमर। हमारी जो स्ट्राइकिंग को जिसका द्वारा कोई चीज़ को शेप चेंज करने की मदद करता है उसको कहता है स्ट्राइकिंग। कोई को शेप है और नॉर्मल कोई शेप है, उस शेप को हैमर के द्वारा चेंज करने के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है उसको कहता है स्ट्राइकिंग टूल्स बा हैमर। दोस्तों वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में टाइप्स ऑफ हैमर जो है वो 18 टाइप्स ऑफ हैमर है। वो मैकेनिकल हो सकता है, सिविल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, अदर्स कुछ भी है, लेकिन टोटल जो हैमर है वो 18 टाइप्स ऑफ हैमर है। ये 18 टाइप्स ऑफ जो हैमर है कोई एक इंडस्ट्री में आपको नहीं दिखेगा, कोई दुकान में भी नहीं दिखेगा ये 18 टाइप्स ऑफ हैमर है। जरूरत के हिसाब से आदमी वो हैमर को यूज करता है। मान लीजिए स्लेज हैमर है, स्लेज हैमर का यूज क्या है, जहाँ हेवी काम होता है जैसा ब्लैक एंड स्मिथी शॉप, लोहारी। लेकिन कोई चिपिंग हैमर का बात करें, चिपिंग हैमर इतना छोटा सा टूल्स है जो बिल्डिंग शॉप में यूज किया जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक टूल्स की यूज किया जाता है, सिविल डिपार्टमेंट में एक स्ट्राइकिंग टूल्स का यूज किया जाता है। हर डिपार्टमेंट उसका हिसाब से स्ट्राइकिंग टूल्स यूज करता है। ये जो टूल्स है नॉर्मली कास्ट आयरन का बना होता है, हार्डनिंग करा होता है व फोर्ज प्रोसेस पे बनाया जाता है। बेसिकली उसको फोर्ज करके मतलब उसको हार्डनिंग करके बनाया जाता है। नॉर्मली जो है स्ट्राइकिंग टूल्स होता है वो पाउंड पे मिलता है विदाउट हैंडल और केजी पे मिलता है। ज़्यादा होता है तो केजी पे मिलता है, किलोग्राम पे मिलता है, और दूसरा छोटा होता है वो पाउंड होता है। एक पाउंड इज इक्वल टू 4.453 ग्राम, 453 ग्राम होता है एक पाउंड का मतलब है। एक पाउंड मतलब अप्रोक्स मान लिए तो 500 ग्राम है, ठीक है। मैं आज पहले जो टोटल हैमर होता है वो कैसे होता है मैं दिखाऊंगा, और मेरा पास जो अवेलेबल है उसको दिखाऊंगा, उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी बताते जाऊंगा। दोस्तों सबसे पहला जो हैमर है इसका नाम है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर नॉर्मली कारपेंट्री शॉप में जो टूल्स हैमर यूज होता है उस हैमर का नाम है क्लॉ हैमर। कारपेंट्री जिसका दोनों समूह पर जो है वो कटा हुआ रहता है, दोनों तरफ से दांत ये जैसा मैं दिखाने का इस टाइप से रहता है, कील को निकालने के लिए जो हैमर यूज होता है उसका नाम है क्लॉ हैमर। ये बहुत यूजफुल है, मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों क्लॉ हैमर ये आपके सामने दिख रहा है, दैट इज क्लॉ हैमर। देखिए ये क्लॉ बना हुआ है, इसका नाम है क्लॉ हैमर, ठीक है। दोस्तों ये स्ट्राइक करने के लिए पोर्शन स्ट्राइक करने के लिए है, ये आपको किल निकालने के लिए यूज होता है क्लॉ हैमर। सेकेंड जो है मैं बार बार दिखा रहा हूँ फ्रेमिंग हैमर। फ्रेमिंग हैमर का मतलब है जैसा ही दोस्तों ये क्लॉ हैमर दिख रहा है, ये जैसा बैंड है आपके सामने दिख रहा है बैंड, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा उस हैमर का नाम होगा फ्रेमिंग हैमर। ये क्लॉ हैमर है, ये क्लॉ हैमर जो है किल के हिसाब से बैंड है। देखिए बैंड दिख रहा है, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये पोर्शन जब स्ट्रेट होगा और कटा हुआ रहेगा ऐसा कटा, तो उसका नाम है फ्लेमिंग हैमर। वो भी नॉर्मली कारपेंट्री शॉप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कारपेंट्री शॉप में इसका यूज किया जाता है क्लॉ हैमर एंड फ्लेमिंग हैमर। नेक्स्ट हैमर जो है जिसका नाम है मैलेट। मैलेट में सॉफ्ट मेटल के काम करने के लिए यूज होते हैं, दैट इज सॉफ्ट। वुडन का बना होता है और लाइनोन का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, तीन वो चीज मैलेट कहलाता है। जहाँ सॉफ्ट मेटल हल्का सा कोई प्रेशर करना है, रबर में, प्लास्टिक में, आदर्श कोई मटेरियल है जहाँ से हल्का से प्रेशर देना है तो मैलेट का यूज किया जाता है। मैलेट है, इसका थ्री मेटल होता है अलग अलग, वुड, प्लास्टिक, लाइनॉन। ये इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस व इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के काम करने के लिए यूज किया जाता है मैलेट। नेक्स्ट है स्लेज हैमर, ठीक है। हेवी हैमर का नाम है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर मैं दिखा रहा हूँ कैसे है, ये है स्लेज हैमर जिसमें ऑक्टागोन शेप होता है, ऑक्टागोन शेप होता है, इसका नाम है स्लेज है। इसका जो वजन है ये 2 पाउंड का है, मतलब ये अप्रोक्स 1 केजी के आसपास है स्लेज हैमर। ये स्लेज हैमर
1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg इस टाइप से मिलता है स्लेज हैमर। जब ऑक्टागोन शेप होगा उस हैमर का नाम है स्लेज हैमर। इसमें नॉर्मली हैवी लोडेड काम करने के लिए, हैवी स्ट्राइकिंग करने के लिए इसके यूज किया जाता है। दूसरा नंबर ब्लैक एंड स्मिथी में इसका सबसे ज़्यादा, मतलब लोहारी में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है स्लेज हैमर। ट्रैक हैमर नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है उसका नाम है ट्रैक हैमर। ट्रैक हैमर नॉर्मली जो है स्पेशल पर्पस हैमर है। जैसा इस टाइप का हैमर है इसको राउंड कर दिया जाए, राउंड कर दिया, जैसा अभी परपेंडिकुलर है हैमर, जब इसको राउंड कर दिया जाता है तो उसका शेप को आ जाता है इस टाइप से। आप देखिएगा दोस्तों इस टाइप से ये राउंड शेप से बना हुआ है, स्पेशल पर्टिकुलर वर्क करने के लिए हैमर का यूज किया, जिसका नाम है ट्रैक हैमर। इसके नाम है क्लब हैमर। क्लैब हैमर सेम टू सेम है, ऐसा ही है, जिसको दोनों तरफ से ए स्क्वायर रहेगा, दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से स्क्वायर रहेगा तो उसका नाम है क्लब हैमर। क्लब हैमर ये लाइट वेट काम करने के लिए यूज किया जाता है, लाइट हल्का सा कुछ प्रेशर डालना है तो क्लब हैमर का यूज किया जाता है। इसके बाद है डेड ब्लो। डेड ब्लो हैमर इसी टाइप से है, जो स्क्वायर के जगह जब राउंड होगा तो उसको कहता है डेड ब्लो हैमर। सबसे यूजफुल है वर्ल्ड बेस में जिस हैमर का नाम है बल पेन हैमर। मैं दिखा रहा हूं बल पेन हैमर, ये है दोस्तों बल पेन हैमर है, ये बल है, इसके नाम है बल पेन हैमर। ये जनरल पर्पस, किसी को ठोकने के लिए यूज किया जाता है हैमर। और जो ये हेड है जिसका नाम है बल पेन, PEN पेन, इसका काम है जो कील का हेड होता है, जो नेल्स होता है, कील्स होता है, उसको हेड को अंडर कट करने के लिए वुडन के अंदर इस हेड का यूज किया जाता है। जैसा कील है, कील को आप फेस तक ठोकोगे तो फेस तक चले जाएगा, फेस के अंदर में आपको कील हेड को, जो नेल्स का हेड को अंदर करना है तो बल का यूज किया जाता है। ऐसा बल का यूज किया जाता है। तो ये बल पेन हैमर वो का हेड को वुडन के अंदर पुश कर देता है, जिसका बहुत सबसे ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। इसका वेट जो लिखा हुआ है टपेडिया का है, वेट लिखा है इसका जो है 500 ग्राम, ये 500 ग्राम विदाउट हैंडल आपके सामने दिख रहा है। बल पेन है सबसे ज्यादा यूजफुल ये हैमर है, जिसका नाम है बल पेन हैमर। इसके बाद है ब्लैक एंड स्मिथी हैमर। ब्लैक एंड स्मिथी जो हैमर है नॉर्मली स्लेज हैमर कहता है। इसका जब वेट 5 kg, 10 kg, 20 kg होता है तो उस हैमर का नाम है ब्लैक स्मिथ हैमर। ठीक है, 1 kg का ब्लैक स्मिथी में नहीं किया जाता, इसको स्लेज हैमर से किया जाता है। जब इसका वजन 2 kg, 5 kg, 10 kg होता है तो उसको कहता है ब्लैक स्मिथ हैमर। ब्लॉकिंग हैमर स्मॉल लाइट काम करने के लिए यूज होता है। दूसरा नंबर हैमर यूज होता है जिसका नाम है क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज ए क्रॉस पेन हैमर। देखिए इसका हेड जो है हैंडल के साथ परपेंडिकुलर में है, इस हैमर का नाम है क्रॉस पेन हैमर। ये फेस है, ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए है। इसका काम है कोई ऑब्जेक्ट को लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ऐसा धीरे धीरे ये नॉर्मली ब्लैक एंड स्मिथी सब फोर्जिंग सब में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको गर्म करके ऐसा ठोकते जाइए, धीरे 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 वो ऑब्जेक्ट लंबाई बढ़ते हुए चला जाएगा। इस टाइप से कुछ काम करने के लिए स्लेज हैमर का यूज किया जाता है, इसका नाम है क्रॉस पेन हैमर। और दूसरा नंबर इसका शीट मेटल में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, जिसका नाम है क्रॉस पेन हैमर। शीट मेटल शॉप जहां टीन एल्यूमिनियम इस टाइप का कम थिकनेस में कोई चादर में काम करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है क्रॉस पेन हैमर। इसका वेट 500 ग्राम है विदाउट हैंडल, 500 ग्राम है, जो फोर्ज करके बना, हार्डन करके बना हुआ है। ठीक है, ये हार्डन करके बना हुआ है, जिसका नाम है क्रॉस पेन हैमर। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है जिसका नाम है चेजिंग हैमर। चेजिंग हैमर नॉर्मली फाउंड्री शॉप में दिखता है। ट्रेमर हैमर, ड्राई वॉल हैमर, हैचेट हैमर, ब्रिक हैमर। ब्रिक हैमर आपको दोस्तों देखेगा जस्ट इसी टाइप का हैमर है। ब्रिक, ब्रिक मतलब जो ईंटा है, ईंट को ब्रेक करके उसको साइज के हिसाब से तोड़ने के लिए जो हैमर यूज किया जाता है, जो मैसनरी वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो हैमर का यूज किया जाता है, उसका नाम है ब्रिक हैमर। देखने में इस टाइप से हैमर होता है। ठीक है, ब्रिक हैमर। नेक्स्ट कैटेगरी जो है इलेक्ट्रीशियन हैमर।
इलेक्ट्रीशियन जो हैमर यूज करता है, जिस हैमर का नाम है इलेक्ट्रीशियन हैमर, उसमें से जो मेटल होता है वो फाइबर व लाइलोन का होता है। मोटर में कुछ पुश करना, बियरिंग को कुछ प्रेशर करना, जिस हैमर का यूज किया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स हैमर, जो फाइबर का बना होता है, लाइलोन का बना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी होता है जिसका नाम है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर नॉर्मली एक इसी टाइप का ऑब्जेक्ट का बना होता है, इसी टाइप का चिपिंग मतलब जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के ऊपर जो स्लैग जम जाता है, बिल्डिंग के ऊपर जो स्लैग जम जाता है, अनवांटेड मेटल है, जिसको कोई जरूरत नहीं होता है, जो अनफेरस मेटल होता है, जो कोटेड से निकल के आता है, उसको मेटल से अनमेटल को अलग करने के लिए जो स्ट्राइकिंग हैमर यूज किया जाता है उसका नाम है दोस्तों चिपिंग हैमर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एक एक जो हैमर है, टोटल 18 टाइप्स ऑफ हैमर होता है, और सबसे ज़्यादा यूजफुल हैमर है वो 6 से 7 हैमर है, जैसा बल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्लेज हैमर, मैलेट, क्लो हैमर। ये जो 5-6 कैटेगरी मैंने बताया, यही हैमर सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है हर डिपार्टमेंट के लिए, बल पेन हैमर। ठीक है दोस्तों, ये मेटल जो होता है वो फोर्ज करके, जो नॉर्मल माइल स्टील होता है उसको फोर्ज करके, हार्डन करके बनाया जाता है। कोई कोई हैमर कास्टिंग प्रोसेस में बनाया जाता है, फिर उसको हार्डनिंग किया जाता है, उसका अलग अलग पार्ट्स होता है, जरूरत के हिसाब से आपको हैमर को तैयार किया जाता है और यूज होता है। कारपेंट्री शॉप है तो क्लॉ हैमर, फार्मिंग हैमर, मैलेट है इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक एंड स्मिथी है स्लेज हैमर, क्रॉस पेन हैमर सीट मेटल शॉप। जैसा जैसा शॉप चेंज होता है, हैमर बस स्ट्राइकिंग टूल्स का भी यूज चेंजेस होता है दोस्तों। एक हैमर हर काम के लिए यूज नहीं होता है, जब ऑप्शन नहीं आता है हम लोग यूज कर लेता हूं काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा गलत होता है दोस्तों। दोस्तों अच्छा लगे जो हैमर के बारे में मेरे को जितना जानकारी था मैंने आपको दिखाने बताने की कोशिश किया, दिखाया भी है, यूज कैसे करना है वो भी दिखाया, अलग अलग डिपार्टमेंट के तरफ से भी दिखाया, जो कारपेंट्री शॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन डिवीजन में क्या होता है, मैसनरी क्या होता है, हर पॉइंट में आपको दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों अच्छा लगे जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।